अभी सबसे ज़्यादा इस वेव के अंदर से पेशेंट सीरियस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है उसको या तो ऑक्सीजन का बेड चाहिए, और मैक्सिमम लोग आईसीयू बेड ढूंढ रहे हैं। और अभी पूरी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग आईसीयू बेड ख़त्म हो चुके हैं। तो ये वॉर फुटिंग के ऊपर जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला ग्राउंड है और एक ही अपना जो दिल्ली का मेन रामलीला ग्राउंड है, तो 500 आईसीयू बेड उधर बन रहे हैं और 500 आईसीयू बेड इधर बन रहे हैं, और 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी वाले कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं। तो लगभग 1200 आईसीयू बेड्स, प्रॉपर आईसीयू बेड्स जो हैं, ये हमारे 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। और इससे मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल्स के अंदर। कल राधा स्वामी जैसे ही शुरू किया, 2-3 घंटे के अंदर पूरा भर गया। उसी तरह से DRDO वाले 500 बेड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, वो जैसे ही शुरू किए 3-4 घंटे के अंदर सारे भर गए। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बीमार हैं, लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा हॉस्पिटल सिस्टम जो दिल्ली का है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर लोड है, ओवरलोडेड है पूरा का पूरा सिस्टम। सर, 1 तारीख से जो है वैक्सीन लगना शुरू होगा 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने क्या तैयारियां कर ली? अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, अभी तो हमने अनाउंस किया है, तो अगर वैक्सीन आएंगी इतनी जल्दी, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी वैक्सीन अभी तक के, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो हम लोगों ने दे दी है। उसके बाद अब देखते हैं, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होगी हम उस पर काम करेंगे। सर, दिल्ली का पीक कब तक आने वाला है? ऐसा कहा जा रहा है कि इस हफ्ते जो ये तो है। मुझे लगता है कि कोई एक्सपर्ट आपको पीक नहीं बता सकता कि कब आएगा कब नहीं आएगा, कितने कहाँ तक ऊपर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, अभी तो कोई नहीं कह सर, सकता। वैक्सीन को लेकर दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? वैक्सीन यही कि सब लोग वैक्सीन लगवाइए, अभी भी कई लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे अभी तक। अभी 45 ईयर्स से ऊपर वालों के लिए तो खुला हुआ है, तो लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। तो वैक्सीन लगवाएंगे तो आप सेफ़ हो जाएंगे, अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो। ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको हो सकता है कोरोना, लेकिन जो होता है वो उतना सीरियस नहीं होता। आपको या तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े तो उतने सीरियस नहीं होते। तो वैक्सीन तो लगवानी चाहिए। UK का भी एग्जाम्पल दिखाता है कि वैक्सीन, उन्होंने मास स्केल के ऊपर वैक्सीन लगाई, उसकी वजह से UK में जो वो आया वो कंट्रोल हुआ, उन लोगों का उसमें कमी आई थी। सर, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंची है और आज एक खाली टैंकर लेकर के फिर से जाएगी और एक अगली खेप भी आने वाली है। क्या लगता है आने वाले दिनों में आपूर्ति ऑक्सीजन की पूरी होगी? देखिए, 3 दिन थे जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जब बहुत ज़्यादा SOS कॉल्स थे हॉस्पिटल्स के, इधर नहीं जा रही मिल रही ऑक्सीजन, उधर नहीं मिल रही। तो हमारे ऑफिसर्स ने और पूरी टीम ने मिलकर रात दिन, वो 3-4 दिन सोए नहीं बिल्कुल, रात दिन उन्होंने इंश्योर किया कि चाहे लास्ट मिनट पे पहुँचे ऑक्सीजन पहुँचाई। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो जो पैनिक मोड में सारे हॉस्पिटल्स थे, अभी वो ख़त्म हो गया है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की टीम्स जो हैं वो लगातार बैठी हैं, जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया गया है। अब धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव कर रही है, अगले 1-2 दिन में और मुझे लगता है इम्प्रूव करेगी स्थिति। एक आखिरी सवाल है सर, कि हम देख रहे हैं कि स्लाइटली थोड़ा ही सही, लेकिन अब केसेस गिर रहे हैं, रिकवरी रेट ठीक हो रहा है, क्या अभी लगता है? कहना मुश्किल है, पॉजिटिविटी रेट में अभी कोई खास गिरावट नहीं है, वही एक सबसे बड़ा पैमाना है डॉक्टर साहब। पॉजिटिविटी रेट तो 35% के 35% परसों था, आज वाला 32% है, तो मोटा मोटा 30 के ऊपर ही चल रहा है। तो जब तक वो गिरना चालू नहीं होगा शार्पली, तब तक हमें अपनी तैयारियां पूरी रखनी है। ये सेकंड वेव है, 1917 में जो आया था उसकी 4 वेव आई थी स्पेनिश फ्लू की, तो हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है। थैंक यू। थैंक यू सर।